इस माल को बचाया जा सके, क्योंकि आग अंदर बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो ऊपर की आग है उसको बुझा लिया गया है, लेकिन आग अभी भी अंदर बहुत ज्यादा है। लगातार आप देख सकते हैं कर्मचारी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि मटेरियल को बचाया जा सके, मटेरियल को बचाया जा सके। लाखों करोड़ों रुपए का जो माल है, लाखों करोड़ों रुपए का जो माल है वो अंदर पड़ा है। आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों का माल जो है अंदर पड़ा है, काफी माल जो है जलकर खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं कर्मचारी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि इस माल को जितना हो सके उतना बचाया जा सके। आग फैलती हुई नजर आ रही है, हालांकि काफी हद तक आग पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अंदर आग की लपटें अभी भी देखी जा सकती हैं, आग की लपटें देखी जा सकती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे इस लगी आग को बुझाने की असंभव कोशिशें करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस समय तस्वीरें देख सकते हैं। आग फैलती हुई नजर आ रही है। नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है, नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। काफी भयंकर आग अंदर फैली हुई है। तीनों फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर पर आग लग चुकी है, तीनों फ्लोर पर लगातार आग फैल चुकी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आगे, तो तस्वीरें देख सकते हैं। माल को बचाने की कोशिशें करते हुए आसपास के तमाम कर्मचारी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। तीन फ्लोर है इस फैक्ट्री के, तीन फ्लोर है और तीनों फ्लोर में काफी भयंकर आग लग चुकी है, तीनों फ्लोर में काफी भयंकर आग लग चुकी है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तमाम मटेरियल को बचाने की कोशिशें करते हुए कर्मचारी आप देख सकते हैं, फैक्ट्री के जो तमाम कर्मचारी हैं मटेरियल को बचाने की कोशिश करते हुए। नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है और आग की लपटें देख सकते हैं, काफी दूर दूर तक आग की लपटें फैली हुई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इस मटेरियल को, बड़े बड़े रोल्स हैं उनको बचाने की कोशिशें करते हुए। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उन रोल्स को जो है बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सुरक्षित इनको बाहर निकाला जा सके। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं सेक्टर 3 में उसी फैक्ट्री से जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, लाखों करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े रोल्स को बाहर लाया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन दमकल की और गाड़ियों की आवश्यकता है, दमकल विभाग की और गाड़ियों की आवश्यकता है। ये लाइव तस्वीरें समय सेक्टर 3 से देख सकते हैं। नैपकिन बनाने की एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत ही भयंकर आग लग चुकी थी, काफी ज्यादा मटेरियल हालांकि बचा लिया गया लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं काफी नुकसान हो चुका है। तीनों फ्लोर पर आग जो है काफी फैल चुकी है। आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ियां 2 पहुंची थी लेकिन और गाड़ियों की जरूरत है, दमकल विभाग की और गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंची है, हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। आप देख सकते हैं पुलिस SHO मौके पर पहुंच चुके हैं, दमकल विभाग की गाड़ियों को भी जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए ताकि इस लगी आग को काबू पाया जा सके। और आग फैलती हुई नजर आ रही है, आग हालांकि फैलती हुई नजर आ रही है। तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज रविवार का दिन है और काफी भयंकर आग सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री जो नैपकिन बनाने की फैक्ट्री बताई जा रही है, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उसमें काफी भयंकर आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि इस लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें की गई हैं। आप देख सकते हैं लगातार पानी की बौछारें मारी जा रही है, लगातार पानी की बौछारें मारी जा रही है। ऊपर आग की लपटें अभी भी देखी जा सकती हैं, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं काफी दूर दूर तक नजर आ रहा था। पूरी फैक्ट्री जो है इस समय जलकर खाक हो चुकी है, अंदर लाखों करोड़ों रुपए का जो रॉ मटेरियल था, तैयार हुआ माल था, वो भी जलकर खाक हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, लगातार आप देख सकते हैं जो फोम वाला पानी होता है, फोम वाला पानी अब इस समय चलाया जा रहा है ताकि इस लगी आग को बुझाया जा सके। काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इस बड़े बड़े रोल्स को आप देख सकते हैं साइड में किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आग लगी फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और इस लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। आसपास के जो तमाम ओनर्स हैं फैक्ट्री के वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, किस चीज़ की फैक्ट्री है और कैसे आग लगी? कैसे लगी ये तो नहीं कुछ कह सकते, हाँ ये नैपकिन बनाने वाली फैक्ट्री है और किस तरह से आग लगी होगी कि इसका कोई आइडिया नहीं। काफी नुकसान हुआ होगा, हमने देखने से लग रहा है कि काफी नुकसान हो गया। तो आपकी पड़ोस में है फैक्ट्री? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस में ही है ये। और ये फैक्ट्री जिनकी है उनका क्या नाम है? मेरे को शायद आइडिया नहीं। सर काफी नुकसान हुआ है, आपकी फैक्ट्री है? सर मेरे पास की फैक्ट्री। किस चीज़ की सर? नैपकिन की। तो कैसे आग लगी कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चल तक, काफी नुकसान हुआ। काफी नुकसान हुआ है। तो पूरी फैक्ट्री भी जल गई है पीछे जाके? पूरी फैक्ट्री जल गई है, पीछे क्रेन लगवाई है, देखो क्या बनता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं।
तो आप देख सकते हैं सामान को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें समय सेक्टर 3 में नैपकिन बनाने की फैक्ट्री से समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लगातार इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मटेरियल को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और लेबर पूरी लगा दी गई है। आसपास की फैक्ट्रीज की तमाम लेबर आप देख सकते हैं लगा दी गई है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, 7 वाली फैक्ट्री को भी बचाव करने की जरूरत है, 7 वाली फैक्ट्री में भी आग ना फैले। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड तक 2 ही गाड़ियां आई हैं। SHO फोन करते हुए नजर आ रहे हैं, SHO फोन करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों को भी बुलाया जा सके। हालांकि कर्मचारी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं ताकि इस मटेरियल को जितना हो सके उतना बचाया जा सके। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इन तमाम रोल्स को बचाने की कोशिशें की जा रही है। अंदर मटेरियल काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इन रोल्स को कर्मचारी बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे आग बहुत ज्यादा फैलती है। आप देख सकते हैं सेक्टर 3 में, ये इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है जहां पर काफी आग फैल चुकी है। ऊपर आप देख सकते हैं आग को बुझाया गया था लेकिन आग फिर फैलती हुई नजर आ रही है, टारगेट हाइजीन प्रोडक्ट्स के नाम से फैक्ट्री है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, थाना SHO की बात हुई है फायर ब्रिगेड अधिकारी से ताकि जल्द से जल्द दूसरी गाड़ियों को भी बुला लिया जाए, सारी आ जाए फटाफट। सर बुलाया दूसरी और फायर ब्रिगेड बुलाई है, सारे जिले की बना ली है, जल्दी बनाने की फैक्ट्री। हाँ, नैपकिन बनाने की, तो नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है। दूसरी गाड़ियां भी मंगा ली गई है, दूसरी गाड़ियों को भी बुला लिया गया है फायर ब्रिगेड की, फायर ब्रिगेड अधिकारी से बात हुई है लेकिन आग ऊपर फिर फैलती हुई नजर आ रही है, सेक्टर 3 से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की हालांकि टीमें मौके पर है लेकिन काफी देर हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो खाली हो गई थी वो यहां से चली गई थी लेकिन दोबारा रिफिल होकर अभी तक नहीं पहुंची है, आप देख सकते हैं, जिसके चलते आग काफी फैल गई है, आग दोबारा से फैल चुकी है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, दूसरी फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी पहुंचती हुई मौके पर, नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, काफी आग ऊपर और फैलती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, इस समय टारगेट हाइजीन प्रोडक्ट्स के नाम से फैक्ट्री है। फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई आप देख सकते हैं, तुम अंदर बाहर आ जाओ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हुए और आग ऊपर दोबारा से एक बार 3rd फ्लोर पर फैलती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इधर लगवा दो यार पहले, ओ भैया तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आग फैल गई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि 2 पहुंची थी लेकिन देरी तो जरूर हुई लेकिन अब गाड़ी पहुंच चुकी है आप देख सकते हैं ताकि लगी आग को बुझाया जा सके। ऊपर से आप देख सकते हैं आग अभी भी फैलती हुई नजर आ रही है ऊपरले फ्लोर पर, हालांकि आग पर कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन आग फिर से फैल चुकी है। आग की लपटें देख सकते हैं, आग की लपटें दोबारा से एक बार फैलती हुई नजर आ रही है। फैक्ट्री पर आग कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि आप देख सकते हैं नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें भयंकर आग लग चुकी है, पिछले 1 घंटे से कोशिशें की जा रही है। हालांकि 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी वो नाकाफी रही, उससे कंट्रोल नहीं हुई, उसके बाद तकरीबन 15 मिनट बाद दूसरी गाड़ी पहुंची आप देख सकते हैं और इस लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस SHO मौके पर है, और गाड़ियों की आवश्यकता है ताकि इस लगी आग को बुझाया जा सके। SHO मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की असंभव कोशिश की जा रही है। इधर इस पर पानी मार रहे हैं यार। तो आप देख सकते हैं दूसरी फैक्ट्री के शेड पे भी आग लग चुकी है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो नजदीक की फैक्ट्री है उस पर भी आग लग चुकी है।
खुद भी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है बाल्टियां गेर कर ताकि इस आग को बुझाया जा सके। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, पुलिस अपनी तरफ से सहयोग करती हुई। तो लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं आग ज्यादा ना फैले उसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं दमकल विभाग की तमाम टीमें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आग बहुत ज्यादा है, आग बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल पर भी इस समय आग बहुत फैलती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग जो है इस फैक्ट्री में लगी हुई है। नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, तो आग की लपटें आप देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग जो है फैलती हुई नजर आ रही है। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग फैलती हुई नजर आ रही है। तो आग आप देख सकते हैं कितनी फैलती हुई नजर आ रही है फैक्ट्री से। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भयंकर आग जो है फैलती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग फैल चुकी है। इस समय देख सकते हैं आग कितनी फैल चुकी है, बहुत ही भयंकर आग जो है फैलती हुई नजर आ रही है। तीन मंजिला फैक्ट्री है जिसमें काफी भयंकर आग लग चुकी है। तो आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां दोनों तरफ से आग को बुझाते हुए, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों तरफ से इस लगी आग को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आग बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है, ये लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आग फैल चुकी थी अंदर। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तीसरी मंजिल पर इस समय आप देख सकते हैं पानी का बौछारा मारती हुई, अंदर आग काफी ज्यादा फैली हुई है। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर तीन से जहां पर काफी भयंकर आग एक नैपकिन बनाने की फैक्ट्री में लग चुकी है। नैपकिन बनाने की फैक्ट्री में काफी भयंकर आग लग चुकी है। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी अपनी तरफ से कोशिशें करते हुए, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग फैलती हुई तीसरी मंजिल से इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग फैलती हुई नजर आ रही है। लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी तरफ से कोशिशें करते हुए, ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, बहुत भयंकर आग जो है फैल चुकी है। तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर हैं, लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं और बहुत ही भयंकर आग फैल चुकी है। ये लाइव वीडियो देख सकते हैं तीसरी मंजिल से समय काफ़ी आग फैल चुकी है और पूरी तरह से फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है, पूरी तरह से फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। लगातार और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुँचने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की और गाड़ियाँ पहुँचे ताकि जल्द से जल्द इस लगी आग को कंट्रोल किया जा सके। बहुत ही दूर से आप देख सकते हैं आग का जो धुएं का गुबार है, काफी दूर दूर से देखा जा सकता है, काफी भयंकर आग लग चुकी है क्योंकि नैपकिन बनाने की ये फैक्ट्री है जो काफी ज्वलनशील होता है, जो जल्दी आग पकड़ता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि पूरी फैक्ट्री थी जिसमें गोदाम भी था और काफी रॉ मटेरियल भी इसमें तैयार हुआ पड़ा था और रॉ मटेरियल में आग काफी भयंकर फैलती हुई, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे आग की लपटे इस समय ठीक मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी, सात वाली फैक्ट्री पर इस समय हम मौजूद हैं और तीसरी मंजिल पर आग कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। तीसरी मंजिल पर जो आग है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि काफी भयंकर आग इस समय फैलती हुई नजर आ रही है। सेक्टर तीन में नैपकिन बनाने की फैक्ट्री में आप देख सकते हैं काफी भयंकर आग लग चुकी है, लाखों करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहले पहुंची थी, और गाड़ियों की आवश्यकता थी, गाड़ियां आने में हालांकि समय लग गया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं आग पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा चुका है। आप देख सकते हैं क्योंकि आग बहुत भयंकर फैलती हुई नजर आ रही है। जो यहाँ सात वाली फैक्ट्री के जो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, किस चीज की फैक्ट्री है सात वाली जिसमें काफी आग लगी? कंपनी है ये, सुबह लाइट फॉल्ट हुआ था ट्रांसफार्मर से, तभी आग लगी है। तो काफी भयंकर आग है जी सर, तो काफी नुकसान हुआ होगा जी, काफी नुकसान हुआ। आप यहाँ भी आग आ गई थी थोड़ी जी सर, यहाँ पे भी आग आई, तो यहाँ भी आग आ गई थी और आप देख सकते हैं लगातार आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं।